छह साल में 10 फिल्में फ्लॉप होने से घबराए सैफ, न हो जाएं लाइमलाइट से दूर, सहारा बने 2 साल के तैमूर। हिंदी सिनेमा के तीनों बड़े खान शाहरुख खान शाहरुख खान, आमिर खान आमिर खान और सलमान खान सलमान खान के साथ चौथे खान यानी सैफ अली खान भी मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे हैं। 6 साल हो गए सैफ अली खान को कामयाबी का स्वाद चखे हुए। उनकी आखिरी हिट फिल्में रेस 2 और गोगोवा गॉन को लोग अब भूल ही चुके हैं। इन दोनों फिल्मों के बाद से सैफ अली खान बैक टू बैक 10 फ्लॉप फिल्में दे चुके हैं और अजय देवगन की अगली फिल्म तानाजी में साइड रोल करने तक को तैयार हो चुके हैं। इन सब के चलते मुंबई में फोटोग्राफर्स को सैफ अली खान के दफ्तर से उनकी शूटिंग का टिप ऑफ आता भी है तो कोई उन्हें अकेले शूट करने नहीं भागता। यहाँ तक कि एयरपोर्ट पर आते जाते भी उनकी तस्वीरें तभी खींचती हैं जब वे या तो अपनी पत्नी करीना कपूर के साथ हों या बेटे तैमूर के साथ। लाइमलाइट में बने रहने के लिए तैमूर ही अब अपने पिता सैफ अली खान का सहारा बन रहे हैं। हुआ यूं कि नेटफ्लिक्स की सीरीज सेक्रेट गेम्स के दूसरे सीजन की शूटिंग मुंबई में कई दिनों से जारी है। इस शूटिंग को कवर करने से मुंबई के फोटोग्राफरों ने दूरी बना रखी है। इसके चलते मंगलवार को सैफ अली खान की तरफ से फोटोग्राफरों को अजीबोगरीब टिप दी गई। ये टिप थी तैमूर के सेक्रेट गेम्स सीजन 2 की शूटिंग पर मौजूद होने की। फोटोग्राफर वहां पहुंचे तो बात सही भी निकली। तैमूर वहां अपनी आया के साथ खेलते दिखे और पास में ही सैफ की शूटिंग भी चल रही थी। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में तब से ही ये चर्चा हो रही है कि आखिर सैफ को अपनी पब्लिसिटी के लिए बच्चे का सहारा लेने की क्या जरूरत।